हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं बेकरी स्टाइल पाइनएप्पल केक। सो इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम वैनिला प्रीमिक्स और केक को बेक कर लिया है। देन केक के मैंने 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए हैं। अब हमें एक केक का लेयर लेना है और उसे अच्छे से शुगर सिरप से सोक कर लेना है। यहाँ मैंने व्हिप क्रीम के अंदर थोड़ा सा येलो कलर ऐड किया है। अब हमें इस लेयर पर व्हिप क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर देना है। यहाँ मैं मालास का पाइनएप्पल क्रश यूज़ कर रही हूँ, उसे लेयर पर डालकर अच्छे से स्प्रेड कर देना है। देन अगेन हमें सेकेंड लेयर रखना है और उसे भी अच्छे से शुगर सिरप से सोक कर लेना है। दोनों लेयर्स के अंदर बहुत सारे गैप्स होते हैं, उसे फिल करने के लिए हमें पैलेट नाइफ़ की मदद से क्रीम उन गैप्स में अच्छे से फिल कर देनी है। अगेन सेम प्रोसेस हमें डालना है पाइनएप्पल क्रश। अगर आपके पास पाइनएप्पल क्रश नहीं होगा तो आप पाइनएप्पल के पीसेस भी इस लेयर में ऐड कर सकते हो। केक का जो बॉटम लेयर होता है उसे हमें ऑलवेज टॉप साइड पर रखना चाहिए, उसे भी हमें शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लेना है। यहाँ मेरा केक थोड़ा ज़्यादा बेक हो चुका था इसलिए इसे थोड़ा ब्लैक एंड ब्राउन कलर आया है। अब हमें करना है केक को क्रम कोट। ये स्टेप केक बनाने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम केक की फाइनल फिनिशिंग करते हैं, केक को डेकोरेट करते हैं, तब केक के जो क्रम्स होते हैं वो फाइनल डेकोरेशन में नहीं आते हैं। हमें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्रीम लेकर केक को अच्छे से कवर कर देना है और उसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है। केक को इवन लुक देने के लिए और उसके एजेस शार्प करने के लिए ऑलवेज हमें स्क्रैपर का यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास स्क्रैपर नहीं होगा तो आप कोई भी विजिटिंग कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमारा केक फ्रिज में सेट होकर आ गया है। अब हम इस पे कर रहे हैं फाइनल फिनिशिंग। सो हमें थोड़ी थोड़ी क्रीम पैलेट नाइफ में लेकर उसे अच्छे से केक पर स्प्रेड कर देनी है। वीडियो में जो भी स्टेप आप देख रहे हो, अगर आप वो सेम स्टेप फॉलो करोगे तो आप भी ये वाला केक बहुत ही इजी तरीके से घर पर बना पाओगे। जो भी मटेरियल मैं इस केक के लिए यूज़ कर रही हूँ उन सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहो तो वो जाकर चेक कर सकते हो।
फॉर द येलो ड्रॉपिंग मैंने यहाँ यूज़ किया है न्यूट्रल जेल 2:1। इस प्रपोर्शन में हमें न्यूट्रल जेल एंड वाटर लेना है, उसके अंदर फिर हमें ऐड करना है येलो कलर। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके हमें पाइपिंग बैग के अंदर डाल देना है। अब मैं पैलेट नाइफ की हेल्प से केक को स्टैंड के ऊपर से बेस पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अगर आप बिगिनर हो और आपको यह स्टेप करने में डर लगता है तो आप डायरेक्ट केक बेस पर ही केक बना सकते हो। यहाँ मैंने नूर 21 के नोजल से एक बॉर्डर बना ली है। देन नूर 7 के नोजल से हमें क्रिस क्रॉस करते हुए इस तरह से एक डिज़ाइन बना लेनी है। देन सेम नोजल नूर 7 की हेल्प से मैंने यहाँ केक की बॉर्डर बना ली है। सो आई एम रिच टू द फाइनल डेकोरेशन। यहाँ मैंने यूज़ किए हैं फ्रेशली चॉप पाइन एप्पल के पीसेस और उसे मैंने केक के सेंटर में अच्छी तरीके से फिल कर दिया है। बचा हुआ येलो जेल मैंने इन पीसेस पर डाल दिया है। और जो बॉर्डर हमने बनाया था उस पर मैं डाल रही हूँ मल्टी कलर के स्प्रिंकल्स। सो यहाँ हमारा वेरी बेसिक एंड ब्यूटीफुल पाइनएप्पल केक बनकर रेडी है। अगर आप ये केक ट्राई करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना मत भूलना। मेरा इंस्टा आईडी है केकी बेकी जोन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। बाय।